अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है और आज की ये हमारी एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में पेन क्यों होती है। पहले मैं अपनी पिछली वीडियो को समराइज करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर वो यूट्रस के अलावा कहीं ग्रो करे तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। और सबसे कॉमन जगह जहां वो ग्रो करती है यूट्रस के अलावा, वो होती है ओवरीज यानी कि अंडेदानियां, ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब्स यानी कि ख्वातीन की ट्यूब्स, और या फिर यूट्रस के पीछे वाली जगह जहां से स्टूल पाइप यानी कि खुराक की नाली गुजरती है, जिसको हम मेडिकली रेक्टम बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में पेन क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं, हर मंथ ब्लीड करती है और ख्वातीन को मंथली पीरियड साइकिल आता है। जब ये एंडोमेट्रियम ब्लीड करती है तो जहाँ जहाँ वो एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही है वहाँ वहाँ उसमें से ब्लीडिंग होगी। अगर ये यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग यूट्रस के बाहर ग्रो की हुई है, जैसे कि ओवरीज में, ट्यूब्स में, यूट्रस के पीछे, तो वहाँ पे भी ये मंथली ब्लीड करेगी और वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा और ये चॉकलेट कलर का हो जाएगा और उसकी वजह से टिश्यूज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए इन ख्वातीन को बहुत सवेर पेन की शिकायत होती है। और जो एंडोमेट्रियोसिस का पेन है, मैं आपको ये समझाती हूँ कि वो किस तरह का होता है। जिन ख्वातीन में डीप सीटेड एंडोमेट्रियोसिस होता है, यानी कि वो यूट्रस के पीछे और खुराक जो पखाने की नाली है उसके पास अगर एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो इन ख्वातीन को पूरा माही पेट के निचले हिस्से में काफ़ी शदीद दर्द होती है और लोअर बैक में भी काफ़ी पेन होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे इन ख्वातीन में पीरियड्स के से पहले, पीरियड्स के दिनों में और पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद काफ़ी शदीद दर्द होती है। थोड़ा रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ ख्वातीन जिनमें पखाने की नाली के पास एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये जब पखाना करती हैं तब भी इनको बहुत शदीद दर्द होती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में सबसे मेन जो कंप्लेन होती है वो होती है पेन, और नंबर टू पे यूजुअली इन ख्वातीन को प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। ये ख्वातीन का एज ग्रुप 25 से 35 होता है। यूजुअली वो ख्वातीन जो राउंड अबाउट 30 की एज में जिनकी शादी हुई है या जिन्होंने प्रोफेशनल रीजंस की वजह से थोड़ी 30 प्लस एज में प्रेगनेंसी प्लान की, उनमें अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और उनमें पेन भी होती है, तो उनमें काफ़ी ख्वातीन होती हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस का मसला डायग्नोज होता है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में जो पेन होती है वो काफ़ी सवेयर होती है। कभी कभार वो सिंपल पेन किलर से बेटर हो जाती है, लेकिन कभी कभार वो इतनी सवेयर होती है कि ख्वातीन को हर मंथ पेन किलर इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ ख्वातीन में बहुत बुरा एंडोमेट्रियोसिस होता है लेकिन उनको पेन नहीं होती। ये चंद एक ऐसी भी ख्वातीन हैं जिनमें बहुत सवेयर एंडोमेट्रियोसिस होने के बावजूद पेन नहीं होती। इसकी वजह हमें अभी तक मालूम नहीं है और इसकी वजह अभी साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और इसकी वजह जो है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ख्वातीन हो सकती हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट्स ना हो और उनको बहुत सवेर पेन होता हो, और ऐसी ख्वातीन भी होती हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास, चॉकलेट सिस्ट बनी हो ओवरीज में लेकिन उनको पेन ना हो। अगर आपको पेन नहीं भी है, आपको अल्ट्रासाउंड एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस डॉक्टर ने बताया है, तो फिर भी आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट किसी एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं जो खसूसन एंडोमेट्रियोसिस के इलाज में जिसका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अगर इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो 40-50% चांस होगा कि एंडोमेट्रियोसिस आपको रिकर कर जाएगा, दोबारा हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो आप कमेंट्स में लिखें, और स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखें, वो आने वाली मैं वीडियोज़ में उनको ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू।